आप सस्ती हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल वक्त आपके लिए है। घरेलू एयरलाइंस ने देश के ज्यादातर सेक्टर्स पर हवाई किरायों में कमी कर दी है। लो कॉस्ट से लेकर रेगुलर एयरलाइंस सबके किराए गिरे हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लंबे वक्त के बाद घरेलू किराए में भारी कमी दर्ज की जा रही है। जेट ने सबसे पहले किराए में कमी की और फिर एक हफ्ते के भीतर भीतर सभी एयरलाइंस ने किराए कम कर दिए। कल इंडिगो के सस्ते मॉनसून ऑफर ने सभी एयरलाइंस को टिकटों के दाम घटाने पर मजबूर कर दिया है। गर्मियों में थोड़ा, क्योंकि समर वेकेशन खत्म होने वाली हैं और थोड़ा लीन सीजन है, मॉनसून इज ऑलवेज अ लीन सीजन, लोग कम ट्रैवल करते हैं, तो एक तो वो वजह है। अप्रैल और मई की तुलना में किराए में 50-60% की कमी आई है। अगर आप 24 जुलाई का टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको दिल्ली से मुंबई का किराया 5,000 रुपए का पड़ेगा, मुंबई से कोलकाता का किराया 5,000 का, चेन्नई से दिल्ली का किराया 6,000 का, दिल्ली से गुवाहाटी 5,600, बेंगलुरु से दिल्ली का किराया 4,800 और हैदराबाद से दिल्ली का किराया 4,300 रुपए के आसपास पड़ेगा। Lean period is there and because of the expected competition also. See, this bilateral that we have done with Abu Dhabi will increase the connectivity of passengers in India and internationally also. हवाई किराए में कमी की वजह जो भी हो, मॉनसून का मजा लेने वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है। लीन सीजन कहे या फिर कंपटीशन, वजह कोई भी रहे, हवाई किराए में आई गिरावट के पीछे, लेकिन एक बात तो सच है कि फायदा तो इसमें आपका यानी ग्राहक का ही है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।